सशस्त्र पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। मतलब 24 घंटे भी नहीं जी, बिना समय गवाए। अच्छा, उससे भी कड़ा समय उसमें दिया गया है और एक रिपोर्ट देगा कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कहा जा रहा है कि 7 दिन होगा या 8 दिन होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। एक मिनट स्पष्ट करना चाहूंगा। यह प्रावधान मात्र इसलिए किया गया है कि अगर हवाई अड्डा में कोई व्यक्ति ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसे अरेस्ट करना है, उसके लिए प्रावधान किया गया। उसके बाद उसको मात्र सीधे हैंडओवर कर देना है। अगर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर है तो उसको करना है ताकि उसको जाना नहीं पड़े, वहाँ तो सिक्योरिटी में, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में लगा है। तो अधिक अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ है थाने का तो उसे तुरंत कर देना है, और अगर नहीं वहाँ है तो एक आदमी को भेज के हैंडओवर थाने को कर देना है। और जो अरेस्ट करता है यही सशस्त्र विशेष सशस्त्र पुलिस, वो रिपोर्ट देगा थाने को कि इस आदमी को क्यों किस परिस्थिति में अरेस्ट किया। आगे का अनुसंधान थाना पुलिस करेगी। आगे का सारा अनुसंधान जो जिला पुलिस वही करेगा। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। प्लीज बोलिए। एयरपोर्ट कम्स अंडर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सो इफ एनीथिंग हैपेंड इन द एयरपोर्ट और द बोधिन टेंपल और एनीवेयर, so kindly make it so how if somebody attack and CISF take action and he not that person and he will hand it to you? Nahin, just 1 minute. I think you I think you have come a little late for the press conference. It was made amply clear right in the beginning of the press conference that not all airports and not all installations are secured by the CISF, Central Industrial Security Force. Since 2017, the Bodh Gaya temple as well as the Darbhanga airport recently, they have been handed over to the Bihar military police for security. They are not looked after by the CISF, they are looked after by BMP, which will now be looked after by the Bihar Special Armed Police. And the powers with the Bihar Special Armed Police are absolutely on par with the powers that have been given to CISF under the Central Act. Exactly. Sir, my question is, this will not apply to Patna Airport. This will not apply to Patna Airport. This will only apply to the installations and locations where the state government, by order, defines that they will be secured by the Bihar Special Armed Police. Sir, my question to you is that CRPC 197 says that if any police officer or any government official commits any offence during the discharge of his duties, then the courts cannot take cognizance of this. लेकिन आपका सेक्शन 15 कहता है कि किसी भी अपराध का संज्ञान पुलिस नहीं ले सकती, कोर्ट नहीं ले सकता। इसमें ये राइडर अब आधा पढ़ रहे हैं, प्लीज पूरा पढ़ दीजिए। इसमें ये राइडर पूरा पढ़िए ना, पहले पूरा पढ़ दीजिए। इसमें ये राइडर जो था आप और पढ़ लीजिए, ड्यूटीज के डिस्चार्ज क्यों उसको हटा दिया। हां, ये भी स्पष्ट कर ही दे। अरे भाई, कर देते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? 197 से आप धारा 15 है ऐसा, तो आप उसके बारे में क्या क्लेरिफिकेशन चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सीआरपीसी में लिखा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, लेकिन आपके उसमें लिखा है कि किसी भी अपराध का संज्ञान, इसमें ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान अगर वो ऑफेंस क्रिएट करता है देन द कोर्ट्स कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ। सो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, पर फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या है, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती है, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबॉर्डिनेशन या सेडिशन म्यूटनी से संबंधित हैं।
ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबॉर्डिनेशन से संबंधित है। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का, तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन इनसबॉर्डिनेशन से संबंधित अपराध है, जिसको जनता से सरोकार नहीं है, वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी उसमें। ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है, ना ही कोई चिंता का विषय। आप एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, बस को और क्लियर कर देता हूँ। देखिए 197 सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है, केवल यह उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न है, और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे हो, उसमें ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है। ये 187 तो इतना बड़ा है, तो छोटा सा है, क्योंकि इनकी ड्यूटीज की जो सीरियसनेस है और संवेदन जोशीलता है वो इतनी ज्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना, और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते हैं अपनी ड्यूटी में, तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए, और इसीलिए उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई जो अपराध इसके अंदर डिफाइंड है, इसके अंदर डिफाइंड है, उन अपराधों से अगर कोई व्यक्ति उनकी परिधि में कोई काम कर रहा है, मतलब उन अपराधों उनमें से कोई अपराध कर देता है और उसकी ड्यूटी जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान में लगी हुई है, तब जो सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अफसर है किसी बल का, उसके बिना रिपोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसके रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस होगा। रिपोर्टेशन है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के उपरांत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो उनके साथ जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इस सशस्त्र बल के मैनेजमेंट और उनके उनके सुपरिंटेंडेंस के लिए कमांड कंट्रोल के लिए लगे होंगे, उनके सहयोग से करें। जो प्राइमेसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की। बस ये क्लियर कर दें कि जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान बोला जा रहा है वो ऑर्डर राज्य सरकार करेगी, और उस विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में किस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है वो पुलिस महानिदेशक गण करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि बड़ी संख्या में बीएमपी जवानों की तैनाती आप सुरक्षा के लिए करते हैं, माननीयों की सुरक्षा के लिए करते हैं, कभी हाउस गार्ड लगाते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं, तो क्या इस एक्ट के तहत जो माननीयों की सुरक्षा में तैनात है उन्हें भी कोई विशेष अधिकार मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी एसी साहब ने कहा, सिर्फ जहां पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, कोई प्रतिष्ठान हो या जो भी प्रकार की गतिविधि हो, सिर्फ सरकार द्वारा जहां अधिसूचित किया जाएगा उसके लिए अलग अधिसूचना होगी, तब ये विशेष प्रोटेक्शन जो भी बात ना है भाई। अच्छा एक और विपक्ष जो सवाल दाग रहा है कि धरना प्रदर्शन जहां है सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि ये जो जहां भी गदनी बाग है वहां उसे हमने बीएमपी को या जो बिहार स्टेट आर्म्ड पुलिस आ रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने उनको दे दी, तो क्या वहां इसी प्रकार से बगैर वारंट या बगैर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई का अधिकार बिहार स्टेट आर्म्ड पुलिस को मिल जाएगा? नहीं है, और सरकार जो है वो इस तरह का प्रावधान करेगी नहीं, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने। अच्छा, मतलब ये मैं परिभाषा बोल देता हूँ विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान का। विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान से अभिप्रेत है कोई लोक अथवा निजी क्षेत्र के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे कि हवाई अड्डा, मेट्रो रेल, विद्युत संयंत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान, और कोई स्थान, प्रतिष्ठान या गतिविधि जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए।
तो यह इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको हवाई अड्डा मेट्रो इत्यादि में ही इसका मतलब ये सीधा सीधा स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत इस पुलिस को किसी के घर में घुसने का राह चलते किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही तरीके से विधानसभा में मार्शल रहता है, पुलिस नहीं रहती है, लेकिन दो दिन पहले पुलिस भी इंटर की, विधायकों की पिटाई की, क्या उसी ढंग का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ये फोर्स का? नहीं, इस पर मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, विधानसभा में जो भी कार्रवाई हुई, विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहाँ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहाँ पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है, विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था मार्शल के लिए, और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था, और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई, और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया। लेकिन विधायक तो जिस ढंग से लात से मारा गया उनको, वो तो वीडियो है, आप उसको संयमित कैसे कर सकते हैं? अगर जिसमें मैं दो चीज बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा, और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। आप जिस नंबर के जिस दिन मुख्यमंत्री जी लगाए थे, आप नंबर पर कभी अटेंड नहीं होते हैं, आप एक अटेंडेंस को बैठाए हुए रखे रहता है, बात करता है डीजीपी साहब मीटिंग में, चाहे 6 बजे सुबह, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, आखिर कभी तो आप पब्लिक से बात कीजिए या प्रेस से बात। आपको जो पता ही नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं? ये मेरा मोबाइल है, एक मिनट, मेरा ये मोबाइल है, जिसको कोई चीज पता करनी है मेरे कमरे में आ जाए। मैं औसतन एक दिन में 24 घंटे में कितनी कॉल अटेंड करता हूँ मैं आपको हिसाब दे देता हूँ, और बात खत्म कीजिए, और पहले के चुके हम भी बहुत दिनों से रिपोर्टिंग 35 बरस से कर रहे हैं, पहले के यहाँ व्यवस्था थी मुख्यालय में कि डेढ़ी साल में 400 से 500 जो भी प्रत्यक्ष अधिकारी मिलते थे, आपने भी हम लोग ऐसा करेंगे, इसमें आप लोगों से बात करके और जो म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम होगा प्रेफरेबली सेकंड हाफ में वो हम लोग कर लेंगे, और जो भी कोई देखिए दो तरह से बात होती है, एक तो जनरल ब्रीफिंग की बात है वो हम लोग जो है वो आपको प्रेस नोट्स के माध्यम से भी करते हैं, और अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है तो जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है पूर्व में भी की जाती रही है तो उसमें हम लोग भी बैठेंगे। सर आपको आवश्यकता थी तो आप हम लोग को बुला लेते, लेकिन हमको अगर आवश्यकता होती है बाइट लेने के लिए पहले हम इशू पे बात कर ले, और ये जो मैंने कह दिया है मैं अलग से बात करेंगे, इस पे हम कोई रास्ता निकाल के और रास्ता काम कर लेंगे, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात है। ठीक है, एक सेकंड यार, क्वेश्चन विधानसभा में जो हुआ उसको लेकर आपने कहा कि स्पीकर के कहने पर स्पीकर के सहयोग के लिए जो हुआ वो, कई फुटेजेस ऐसे हैं जिसमें विधायकों को मारा गया, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई, बाल खींचकर महिला विधायकों को बीएमपी की जो महिला बल थी वो खींचकर लेकर आए, तो क्या अब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कई फुटेजेस हैं वो पब्लिक डोमेन में? इस बात का उत्तर ACS होम साहब के द्वारा बिल्कुल कैटेगरिकल तरीके से दे दिया गया है, और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और जैसा उन्होंने कहा है हम लोग बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई करेंगे। अगर जांच का भी आदेश होना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय का ही होना है, और उसके जांच के अनुसार जो फलाफल होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जांच के अनुसार उनके आदेश के अनुसार जो भी जांच होता है, उनके जो क्षेत्राधिकार में जो भी कार्रवाई पर जांच उनके द्वारा कराया जाता है, किसी के द्वारा गलती की गई है पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। There has been enough footage coming from various places. There were lots of journalists who were standing there.
Now you are saying that it was the prerogative of the speaker to call in the police. Did the speaker also instruct the police to use that kind of brute force when you could easily have taken out the MLAs and put them out of the assembly? But that was excessive use. Again, I will repeat the same thing, that the prerogative of the speaker is always there to call for police for assistance of his marshals, and it was under that prerogative that he gave that order. The police went inside on his orders to assist the marshals. Again, I will say that if there was any use of force which was more than appropriate, that is again something that would have to be, an inquiry would have to be ordered in the premises of the assembly by Honorable Speaker of the Vidhan Sabha, and whatever is the finding will be taken very we will take it very strictly and we will comply with whatever orders that there are. आप बार बार पूछ रहे हैं, एक मिनट जांच देंगे। अरे भाई एक मिनट रुकिए तो सही ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, सिर्फ हम आपकी बात सुन रहे हैं ना बहुत ध्यान से। जब ये बात बारंबार क्लियर की जा चुकी है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और हम उस प्रोसीजर के अंतर्गत हर तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको सवाल की या जवाब की जरूरत है। चलिए सर, एक सवाल हम इसी कर ले लेते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, क्योंकि शराबबंदी पर आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री रामसूरत राय के भाई की गिरफ्तारी कब होगी? हाँ वो जवाब दे दीजिए, किस पाताल लोक में छुपे हैं और कब गिरफ्तार कर सामने लाएंगे? मैं बस इतना ही कहूंगा जी कि गिरफ्तारी 100% होगी जी, और जो कायदे कानून सब पर लागू है उन पर भी लागू किया गया। गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी आपका। सर सुनिए, ये जो आप अपनी कहानी सारे दबाव का क्या मतलब है? इसमें भी 10 तरह के सवाल हो चुके हैं। जब मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा समय दीजिएगा ना, हर केस में कार्रवाई हुई है ना अच्छे से? आप तो हर 24 घंटे में अधीर हो जाते हैं, FIR होती नहीं कि सर गिरफ्तारी। सर तो बात मेरी बात सुनिए ना, देखो आप भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ।